इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, बार बार गिरोगे, डरना नहीं, हताश निराश नहीं होना, उदास मत होना। अनेक अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आएंगी, और मैं तो आपको यहां तक कहूंगा जैसे ही भजन के मार्ग पर पैर रखोगे, बाहर जो अनुकूल है वो भी प्रतिकूल होने लगेगा। देखो, संसार के रंग में रंगे रहोगे, संसार का खेल, संसार के इशारे पर खेलते रहोगे तो संसार राजी रहेगा। जैसे ही संसार की गति से अलग आप चलोगे, संसार की दिशा से अलग आप चलोगे, आप देखो जो अनुकूल है वो भी प्रतिकूल हो जाएगा। आप आजमा कर देखो, अनुभव करो। आज जो आपसे कहता है आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम थोड़ी करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेम करता है ना, अपने सुख से प्रेम करता है। जैसे ही आपसे उस व्यक्ति की सुख सिद्धि में बाधा आएगी, न प्रेम है, न स्नेह है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो कल जैसे एक माता ने प्रश्न पूछा था ना कि आसपास के लोग अब क्रोध दिलाने की चेष्टा करते हैं, तो ये लक्षण है, इसका मतलब आप सही मार्ग पर जा रहे हो, इसका मतलब आप उनसे अलग चल रहे हो ना। बाहर प्रतिकूलता आए तो घबराना नहीं, आएगी भाई, और एक नहीं अनेक आएंगी, एक नहीं अनेक आएंगी। पंच विखादी एक गरीबा, कह रहे खेद करही और बहुत सतावही, आयो शरण तिहारे। कर कर हारो अनेक बहु भांति, कह रहे बहुत साधन किए पर हाथ कुछ आया नहीं। कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नाई। क्यों कहा महाप्रभु जी ने, भाई अंतिम समय तक भी जाने कौन सा विकार आपके भीतर सर उठाकर खड़ा हो जाए, जाने कौन सा विकार। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूं भाई, कौन है यहां जो कह सके कि मैं सिद्ध हूं? कौन है जो कहता है ना, वो भ्रम में है, वो भगवान की माया के स्वरूप को, वो भगवान की माया की शक्ति को नहीं जानता, तब कहता है कि मैं सिद्ध हूं। जो जान लेगा वो नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा। तो कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नाही। फिर कहते हैं अंत में, माने केवल आपको और मुझे डरा नहीं रहे, आश्वासन भी देते हैं, फिर मार्ग भी बताते हैं कि ये सब हमने किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, इन इन विकारों से मुक्ति मिली नहीं। कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नाही। फिर कहते हैं एक बात सुनी ताकि ओटा, एक बात सुनी और उसकी ओट ले ली, माने उसका सहारा ले लिया। क्या? एक बात सुनीता की ओटा, साध संग मिट जाही। बोले साधु के संग से ये पांचों मिट जाते हैं।